अस्सलाम वालेकुम, आई एम अथर्व रंधावा। इन टुडे लेक्चर ऑफ लाइफ साइकिल न्यूट्रिशन आई डिस्कस अबाउट द डाइट इन क्रोनिक एंड डिजनरेटिव डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन, अब्सॉर्प्शन एंड यूजिंग द न्यूट्रिएंट नीड्स फॉर द बॉडी फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। हमारा मकसद क्या है कि हमारा फूड इनटेक से लेके उसके वेस्टेज तक जो जितने उसमें प्रोसेस हो रहे हैं, इंजेशन हो रही है उसमें, डाइजेशन हो रही है, अब्जॉर्प्शन हो रही है, देन ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, देन उसमें मेटाबॉलिज्म हो रही है, इन सारे जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसको देखना। और इसका जो पर्पस क्या है कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, उसे क्या है न्यूट्रिशन कहते हैं। डी क्रोनिक डिजीज क्या होता है? क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होती है तो कि लॉन्ग टर्म होती है, उनके जो सिम्टम्स हैं वो स्लोली शो होते हैं, कि वो 6 मंथ टू 1 ईयर तक टाइम लग जाते हैं उसके सिम्टम डिक्लेयर होने में, ठीक है। जिस तरह ये डायबिटीज है, ठीक है, उसके अलावा जो सीवीडी के रिस्क फैक्टर्स हैं वो उसमें क्या होता है कि उसमें ना के उनके सिम्टम होते हैं वो स्लो शो होते हैं और वो टाइम लगता है उसको शो होने में, ठीक है। ये क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज में आ कंडीशन होता है डिजीज डेट इज परसिस्टेंस एंड द अदरवाइज आर लास्टिंग इन इफेक्ट्स, उसके एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है क्रोनिकली का मीन है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है, क्योंकि उसके जो इम्पैक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे बट स्लोली होंगे, ठीक है, उसकी इसी वजह से जो उसके सिम्टम्स हैं वो कम शो होते हैं, ठीक है, वो 6 मंथ वो ले लेते हैं उसके सिम्टम शो होने में, ठीक है, जिसमें ये मोस्टली डायबिटीज है, सीवीडीज है, इसके अलावा जो अदर एपिलेप्सी है, ठीक है, उसके अलावा जो न्यूरोलॉजी के रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं वो क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं। देन आर डिजनरेटिव डिसऑर्डर। डिजनरेटिव डिसऑर्डर क्या है कि आपकी बॉडी में जो सेल्स है, ऑर्गन है, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, ठीक है, उनके फंक्शन में चेंजेस आती हैं, उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो के अफेक्ट्स करते हैं कि जो एक स्ट्रक्चर चेंजेस आती हैं उसमें, या कि या फिर उसके जो ऑर्गन के में चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो जो डिट्यूरेट्स होते हैं, वो जो डिस्ट्रक्शन होती है उनकी, वो सारा क्या है किस्म होता है डिजनेटिव डिजीज में। डिजनेटिव डिजीज आल्सो नोन एज आर न्यूरो डिजनेटिव डिजीज आर हेटरोजीनियस ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर, के इसमें एक आधा डिसऑर्डर इन्वॉल्व होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ अ डिजीज इन विच द फंक्शन आर द स्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज आर द स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द टिश्यू आर द ऑर्गन, ठीक है, इसमें यह तक इसमें टिश्यू ऑर्गन का स्ट्रक्चर लेवल पे, फंक्शन लेवल पे डिटीरेशन होती है, इफेक्ट्स होते हैं, विच इज कॉमनली कॉज बाय विद डिफरेंट सिम्टम्स, इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं, ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल इशू रिलेट, हमारे लाइफ स्टाइल हैबिट्स आ सकती हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारी हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है हमारा वो इसे इम्पैक्ट कर सकता है, कि अगर हमारा इतना अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है तब डिजनेटिव डिजीज काज हो सकती है, उसका स्ट्रेस बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म डिजनेटिव डिजीज काज होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है उसमें वेयर एंड टीयर हो जाती है उसके ऑर्गन लेवल पे, उसके फंक्शनली या उसके स्ट्रक्चरली, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये हमारी जो लाइफ स्टाइल च्वाइसिस है, ठीक है, जिसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, उसके अलावा हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो इसको अफेक्ट करते हैं, जिस तरह मैक्युलर डिजनरेशन है, ठीक है, और उसके अलावा पार्किंसन डिजीज है जिसमें वो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज का होते हैं, हम मोस्टली होता है कि इंसान भूलने लग पड़ता है, ठीक है, पार्किंसन डिजीज में। देन अल्जाइमर डिजीज में, पार्किंसन डिजीज सॉरी इस तरह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिजीज में इस तरह होता है कि उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अल्जाइमर डिजीज में आ जाता है, ठीक है। देन काजिज ऑफ डिजनरेटिव डिजीज के काजिज क्या होंगे, डिफरेंट काजिंग है उसकी, काजिंग हो सकते हैं इसके, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकते हैं, कुछ उसकी एज रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ जेनेटिकली फैक्टर हो सकते हैं, कुछ हेरिडिटी फैक्टर हो सकते हैं, कुछ हमारी लाइफ स्टाइल लाइफ जो हम चूज करते हैं वो फैक्टर हो सकते हैं, कुछ इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर इसमें हो सकते हैं, ठीक है। मीन आर डिजनरेटिव डिजीज आर रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द जेनेटिक्स एज वेल एज इनहेरिटेड एज वेल एज बायोलॉजिकल फैक्टर्स, में डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व है, जैसे इसमें एज है, जेंडर है, रेस है, ठीक है, उसके अलावा ये तो कभी अनचेंजेबल है ना,
तो ये फैक्टर इन्वॉल्व, उसके बाद वियर एंड टीयर ऑफ द जेनेटिक्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कुछ, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो बिहेवियर फैक्टर वो हम पे डिपेंड होते हैं कि हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज करें तो हम जितने भी डीजनेटिव इश्यूज हैं हम उसे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसे कंट्रोल करना, उसके अलावा हमारी लाइफ स्टाइल जो रिलेटिव च्वाइसेज होती हैं हम उन्हें एक ऐसा हेल्दी डाइट स्टाइल चूज करके, ठीक है, या फिर हम फिजिकल एक्टिविटी लेवल अपना इम्प्रूव करके हम जो जितनी भी ये डिजीज हैं डिजेनरेटिव उसको हम टैकल कर सकते हैं। देन इसके फैक्टर्स में आएगा इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या हो सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है ऑन ओवर हेल्थ, पोल्यूशन है, ठीक है, उसके अलावा रेडिएशन है, अब रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अब तो जिस तरह 5G है, 5G है चाइना में, अब वहाँ पर रेडिएशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। उस तरह स्मोकिंग है, वो पैसे एक्टिव पैसे दोनों लिए इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि वो कुछ जो जो फार्मास्यूटिकल हैं, ठीक है, ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर दिए हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के। इसके अलावा इंटरनल फैक्टर में क्या आएंगे, हमारी अपनी इम्यून सिस्टम जो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम वीक होता है, या फिर जो हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम वो वीकनेस हो सकती है, हमारे एंजाइमेटिक फंक्शन किस तरह वर्क कर रहे हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ सकता है, तो उसके अलावा जो हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स हो सकता है, ये क्या है एक्सटर्नल फैक्टर। तो होता क्या है कि जब इसमें इशू बनता है इन्वायरमेंटल फैक्टर में, ठीक है, वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तो वो होना क्या है फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। जब फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेगा, वो जो जीन एक्सप्रेशन है उसमें अल्टरेशन कर देगा, या क्या करेगा जो डैमेज कर देगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे जब, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज करेगा या इन्फ्लामेशन काज कर देगा, विच लीड टू कुछ में ये कैंसरस फॉर्म में लीड कर जाता है, कि उसमें क्या होता है कि जो अपोप्टिक सेल डिवीजन है वो नेक्रोटिक सेल डिवीजन लग पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म के क्रॉनिकली डिजनेटिव डिजीज काज होती हैं, ठीक है। अब जेनेटिक वेरिएशन क्या है कि डिपेंड करती है इसमें डाइटी एंटीऑक्सीडेंट्स पे और जे एंडोजीनियस एंटीऑक्सीडेंट्स पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। देन आर फैक्टर्स विच फैक्टर अफेक्ट द क्रॉनिक डिजीज, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चर फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, वो कहिए ग्लोबलाइजेशन जिस तरह हो रही है, अर्बनाइजेशन का ट्रेंड हो रहा है, उसके अलावा पॉपुलेशन एजिंग प्रोसेस हो रहा है उनमें, तो ये रिस्क फैक्टर है क्रॉनिक डिजीज के। जितनी हमारी एज ज़्यादा होती जाएगी उतने ही ज़्यादा इश्यूज आते जाएंगे, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक हमें जो रूरल एरिया मेन सोर्सेज हैं जो हमें डाइट मिलती है, या फिर हमें जो हम अपनी कंजप्शन के लिए मिल्क लेते हैं या जितने फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी लेते हैं वो मोस्टली क्या होता है कि जो कल्टीवेयर एरियाज हैं वो विलेज में होते हैं ना मोस्टली। अब क्या है कि उनमें अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है, उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, ठीक है, 7.5 बिलियन तक अप्रोक्सीमेटली। देन क्या है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाइबल इस फैक्टर कौन कौन से, अनहेल्दी डाइट, अगर हमें पता है कि टू सोचते हैं हेल्दी वेज भी है अनहेल्दी वेज, वो हम पे डिपेंड है हमने कौन सा वे चूज करना है। अगर हम हेल्दी वे चूज करेंगे तो हम इन डिजीज से क्रोनिक डिजीज से डिजनेटिव डिजीज से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। अब जिस तरह देख लें कि वेस्टर्न कंट्री में वहाँ पर फास्ट फूड कंजप्शन रेट बहुत इंक्रीज है, उनमें ओबेसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसमें CVD का रिस्क बहुत ज़्यादा है, उनके उनमें डायबिटीज का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब वही ना कि मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डायबिटीज होंगे उनमें 80% जो अबीज हैं उनमें चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के। देन क्या है कि भाई फिजिकली इनएक्टिविटी, जो फिजिकली इनएक्टिविटी क्या है, अगर हम फिजिकली एक्टिव होंगे हमारा जो न्यूट्रिएंट का और इनटेक का और उसके यूटिलाइजेशन का जो बैरियर है वो बैलेंस हो जाएगा, तो जब वो बैलेंस होगा अल्टीमेटली हम हेल्दी वेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, फिजिकली एक्टिविटी लेवल से हमारे ऑर्गन के फंक्शन प्रूव होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रूव होता है। देन तंबाकू यूज या फिर अल्कोहलिक यूज या फिर अदर टाइप ऑफ ड्रग के, अब तंबाकू जो यूज करते हैं स्मोकर्स हैं जो, अब एक तो वो खुद अपने आप को अफेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरा वो जितने पैसिव स्मोकर्स होते हैं उन पे भी, इवन के जो पैसिव स्मोकर हैं उनमें भी कैंसर का हो सकता है ड्यू टू स्मोक ऑफ द सिगरेट। देन इसलिए है कि इन चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए।
देन क्या है कि नॉन मोडिफाइबल फैक्टर क्या है कि हमारी एज है, हमारी हेरिडिटी है, ठीक है, ये हम अनचेंजेबल है। देन क्या है इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें क्या है कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना उसके डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, वो हमारी डाइट भी इस पर इम्पैक्ट कर सकती है, अगर हमारी डाइट में सोडियम ज़्यादा है वो हो सकता है, ठीक है, अदर अगर कोई और इशू काज हुआ है तो उसकी ओल्ड डिजीज की वजह से भी मोस्टली जो मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिक जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये उनमें इंक्लूड है, ठीक है, अगर एक फैक्टर इंक्लूड होगा वो क्या करेगा दूसरे फैक्टर को भी इंक्रीज कर देगा, जैन जो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा सीवीडी का रिस्क इन्हांस कर देगा, वो अबेक्टिंग इंक्रीज कर देगा, ठीक है। देन क्या अब नॉर्मल ब्लड लिपर, जब ब्लड लिपर ज़्यादा होगा तो अबेक्टिंग इंक्रीज होगी, ट्राइग्स लेवल अल्टीमेटिक इंक्रीज होगा, ठीक है, उसके अलावा जो एलडीएल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो गुड फैट है जो एचडीएल है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंट किस्म के ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, बॉडी पे डिफरेंट किस्म के इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। देन ओवरवेट और बैटरी का ऑलरेडी मैंने आपको बताया। देन मेन क्रोनिक डिजीज क्या क्या है, हार्ट डिजीज है, इसमें डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व है, इसमें हमारी जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, इसमें हमारी हेरिडिटी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, कि ये डिफरेंट जो फैक्टर है वो मिलके काज करते हैं, इनका इनका जो रेट होता है वो स्लो होता है, ठीक है, इसके सिम्टम शो नहीं होते हैं। देन स्ट्रोक सडन जिस तरह ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज में भी ऐसा होता है। देन कैंसर के उसमें क्या होता है कि जो अपोप्टोटिक सेल डिवीजन है जो कि नेचुरली सेल डिवाइड हो वो नेक्रोटिक सेल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाए, जिसलिए जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इंक्रीज इन नंबर नंबर तो वो उनकी क्या होगी कि उनकी एक अनहेल्दी सेल डिवीजन होगी, ठीक है। देन क्या है कि क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज, जितनी रिस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस है, उसके अलावा क्या है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ठीक है, जिसमें एल्वियोलाई उसके इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, उसके अलावा डायबिटीज है, ये डिफरेंट फैक्टर मेन काजीज हैं। देन ये इसके काजीज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए। एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक डिजीज कौन कौन सी डिजीज हैं जो कि क्रोनिकली कंसिडर हम करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है जैसे अस्थमा है, कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, क्रोहन डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, एड्स है, उसके अलावा इसमें अल्जाइमर डिजीज है जो कि न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड डिसऑर्डर, उसके अलावा मैकुलर डिजनेशन जो हो जाती है उनमें वाइट मोतिया जैसा जो आया था, पार्किंसन डिजीज है उसमें वो उन्हें भूरे लग पड़ता है, मतलब ये क्रोनिकल डिजीज है ना कि इनका सिम्टम स्लो हो शो होते हैं। अब सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द क्रोनिकल डिजीजेज आर गिवन बिलो, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या है कि इसमें क्या होती है इन्फ्लेमेशन हो जाती है अपनी बोन की, ठीक है, वो एक या दो लेवल ज्वाइंट्स में या इससे ज़्यादा ज्वाइंट्स पे वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है अर्थराइटिस, ठीक है। अब इस पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इवन कुछ ऐसे पेशेंट जिनका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं, ओबेसिटी पर्सन में अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि अपनी इम्यूनिटी अपनी इम्यूनिटी है, ठीक है, जो कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में ये होता है कि अपनी इम्यूनिटी उसके ऊपर अटैक कर देगी, ठीक है, वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगी तो वो उसको वो जो बाइंड करना होता है जो उस पर प्रोपोन का मैकेनिज्म चल रहा होता है वो उसके साथ कोड करके वो उसे क्या करेगा अपना अपना हमारा इम्यून सिस्टम जो अपनी हमारा ऑटोसोमल जीनोम सिस्टम है वही इसके हमारे गैस वर्क करेगा। अर्थराइटिस मोस्टली इस तरह होता है। देन अस्थमा, अस्थमा क्या है एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, इट इज अ कंडीशन इन विच द एयरवे नरो एंड द स्वेल द प्रोसेस ऑफ म्यूकस। अब देखें इसमें होता क्या है कि अस्थमा है, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं कुछ, ठीक, कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। देन कैंसर, कैंसर में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी नेक्रोटिक सेल डिवीजन होने लग पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, वो बॉडी पर डिफरेंट किस्म के अपने नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं। तो देन सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है इसमें डिफरेंट किस्म ऑर्गन इन्वॉल्व है, डैमेज हो जाते हैं, इसमें हमारे लंग्स, हमारा जीआईटी सिस्टम, ठीक है, ये इवन लाइफ थ्रेटनिंग होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, इज हेरिडिटरी डिजीज डेट अफेक्टिंग द लंग्स आर डाइजेस्टिव ट्रैक, इट इज एन लाइफ थ्रेटनिंग। देन क्या है क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज क्या, आईबीडीज का आपने सुना होगा, इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज, ठीक है, जिसकी जिसमें होता क्या है कि कोलोन के लोअर पोर्शन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू लैकनेस ऑफ प्रोबायोटिक, ड्यू टू लैकनेस ऑफ
फाइबर, ठीक है, जब हमारे डाइट में प्रॉपर फाइबर नहीं होगा वही हमारा डाइट, देखें यहाँ पे हमारा डाइटरी पैटर्न इवॉल्व है कि अब हम डाइट्स में हम हेल्दी डाइट चूज करें तो हमें इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। ठीक है, क्रोन डिजीज क्या? इन्फ्लेमेटरी बॉडी डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर जीआईटी ट्रैक व्हिच कैन लीड टू अब्डोमिनल पेन, वेट लूज एंड अदर फैटीग। देन डायबिटीज, डायबिटीज इज अ डिजीज इन विच योर ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, जब ग्लूकोज लेवल राइज होगा इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी, इंसुलिन लेवल का कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से डायबिटीज काज होगी। अगर वो जो ग्लूकोज है वो जो स्टे कर जाएगा, उसके अलावा वो ज्वाइंट्स वो क्या करेगा, जब स्टे करेगा उसकी वजह से डिफरेंट किस्म की अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज हो सकती हैं। ठीक है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। अब डायबिटीज में ऐसा ही होता है कि एक डायबिटीज होती है वो के किडनी पर अटैक कर देती है, लंग, उसमें मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में ही वो जो हिपाटिक सेलुलर कार सॉरी जो हिपाटिक रिलेटेड डिजीज है, लिवर रिलेटेड डिजीज है, वो काजी हो जाती हैं। ठीक है, उनमें बेस्टिक काज हो जाती है। देन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि लो बोन मास डेंसिटी, जो हमारा बूंद है उसका लो बूंद होती हैं, ठीक है, वो फ्रजाइल बूंद होती हैं, ठीक है, उसके उनमें फ्रैक्चर होने का बहुत चांस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में पोरस बूंद हो जाती हैं, ठीक है, उनमें डीकैल्सिफिकेशन हो जाती है उनके। तो देन क्या, डेंटल, डेंटल डिजीजेज हैं, उसमें गम डिजीज आ जाएंगी, कुछ कैविटी रिलेटेड डिजीज आ जाएंगी, ठीक है, उसका टीथ ब्रेकनिंग होती है, उसके अलावा जो डेंटल इरोजन हो जाती है जिनके टीथ के ऊपर, ठीक है, ये है। इसके डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व है, हमारा ईटिंग पैटर्न भी इसमें बड़ा इन्वॉल्व है, उसके अलावा हमारा जो डाइटरी पैटर्न है, हम एक अगर हम प्रॉपर फॉलोराइड ले रहे हैं डाइट से, ठीक है, अगर हम प्रॉपर कैल्शियम ले रहे हैं तो या प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं, हमारे गम डिजीज नहीं होंगी, या फिर जितनी टिश्यू से रिलेटेड इरोजन होती है वो नहीं होगी। देन एच आई वी क्या है, अक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, इट इज कॉमनली द कंडीशन डेट अकर इन एडवांस स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लिवर के सीरम ग्लूटामेट ग्लूकोज ट्रांसफर है, सीरम ग्लूटामेट ट्रांसफर है, वो टोटली पाइरूवेट ट्रांसफर है, ठीक है, वो वो उनकी जो वैल्यू है वो एलिविएट कर जाती है। ठीक है, उसके अलावा इनमें अल्कलाइन फास्फेट लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो विच कैन लीड टू लिवर कैंसर। ठीक है, एड्स की वजह से क्या होगा, स्काइटिस को इलेक्ट्रो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा, उसके अलावा फ्लूड कॉम्बिनेशन लग पड़ेगी हमारे बॉडी में, मोस्टली उनके जो पेटोनियल एडिमा होता है अब्डोमिनल कैविटी में वाटर कॉम्बिनेट होने लग पड़े, या पेडल एडिमा वो हो सकता है, उसके अलावा या जनरलाइज एडिमा पूरी बॉडी पे हो सकता है। तो देन पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज क्या है, पार्किंसन डिजीज में होता क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है, ठीक है, ब्रेन सेल डैमेज होने लग पड़ते हैं पार्किंसन डिजीज में, इसकी वजह से हमें भूलने लग पड़ता है, डिफरेंट अदर उसके ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, इवन पार्किंसन डिजीज में कुछ में वो सीजर भी काज होता है, उनमें एपिलेप्सी के चांसेस होते हैं। देन डिजनेटिव डिजीज का सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आर द डिजनेटिव डिजीज, अदर डिजनेटिव डिजीज हैं, इसमें पार्किंसन डिजीज है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पार्किंसन डिजीज वो डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन सेल्स वो डाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्रेन सेल की डिस्ट्रक्शन होने से प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहा, वो उसमें डिफेक्ट आएगा। ठीक है, हमारा सेंसेशन, उसके अलावा हमारा जो सारा बॉडी का जो रेगुलेट हो रहे हैं हमारा सिस्टम, वो डिस्टर्ब होता है। देन मैक्रोडिनेशन क्या होता है, मैक्रोडिनेशन क्या होता है कि मोस्टली जो ओवर एज में होता है जाके, ठीक है, जब मैं 40-50 प्लस एज होती है वहाँ पे होता है, वहाँ पे क्या होता है कि मैकुलर होता है कि एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है रेटिना का, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है। देन मैकुलर डिग्रेडेशन इट इज द कंडीशन डेट मैन कैन लीड टू इन ओल्डर एडल्ट, इट इज द डिजीज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रेटिना कॉल्ड द मैक्यूला ब्रेक डाउन ओवर टाइम, के टाइम के साथ साथ उसकी वेयरिंग टीयर होती है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है। देन अल्जाइमर डिजीज में क्या है कि भूलने लग पड़ता है, इट इज द रिसेसिव प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर विच कैन लीड टू स्लोली डिस्ट्रॉय द ओवर मेमोरी एंड एवर थिंकिंग स्किल्स,
इट इज अ कॉमन काज ऑफ डमेंशिया। डमेंशिया क्या है कि वो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस क्या है कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, ऑटोसोमल इसमें भी ये रिसेसिव डिसऑर्डर की वजह से होता है, ऑटोसोमल इसमें डिसऑर्डर है ऑफ द ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम टोटली महदूद हो जाता है। देन क्या है कि हंटिंगटन्स डिजीज, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, इट इज़ इनहेरिटेड डिजीज, अटैक ऑफ द नर्वस सेल्स ग्रेजुअली ओवर टाइम एंड डेट हैपन ड्यू टू द डिफरेंट जीन मैक्स अबनॉर्मल वर्जन ऑफ द हंटिंगटन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है, उसमें इश्यूज आते हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से ये डिजीज काज होती है। देन पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि क्या होना पड़ता है कि पार्किंसन डिजीज में कि ओवर द टाइम जो न्यूरोन है वो डैमेज होने लग पड़ती हैं, ठीक है, तो जो कि क्या होती हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रेन ब्रेन के उसके क्या कहते हैं उसे सबस्टेंशियल निगरा निगरा कहते हैं, ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज है, ये भी प्रोग्रेसिव न्यूरो सिस्टम न्यूरोलॉजी का सिस्टम डिसऑर्डर है कि इसमें क्या होता है कि डिफेक्ट आर अफेक्ट द मूवमेंट द मोटर सिस्टम दैट अफेक्ट द न्यूरो सेल्स दैट प्रोड्यूस डोपामाइन प्रोडक्शन। डाइट थेरेपी क्या है कि इसमें हमें होल ग्रेन यूज़ करनी चाहिए, मोस्टली B12 के बी विटामिन की डिफिशेंसी से ऐसा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें प्रॉपर हमें यूज़ करनी चाहिए, उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल का कंजप्शन इंक्रीज करना चाहिए, उसके अलावा प्रोटीन रिच फूड यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिनाइल एलानिन और टायरोसिन प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में, ठीक है, जो क्या करते हैं डोपामिन की प्रोडक्शन को इन्हांस कर देते हैं। देन डाइट इन एपिलेप्सी, एपिलेप्सी में मोस्टली कीटोजेनिक डाइट देते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों देते हैं कीटोजेनिक डाइट के? देख कीटोजेनिक से होता कैसे, जब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, कि जब स्टारवेशन कंडीशन में जाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी का जो स्टोरेज फैट है वो यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसके बाद कीटोन बॉडी जो पैदा होती हैं वो यूज होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि किस में यूज करते हैं, ये एपिलेप्सी में, ठीक है, या अल्जाइमर डिजीज में यूज करते हैं। मीन के कीटोजेनिक डाइट इज अ टाइप ऑफ द डाइट्स विच कंटेन हाई फैट्स एंड लो कार्ब एंड मॉडरेट फैट्स और मॉडरेट प्रोटीन। इसमें हम फैट्स को हम हाई रखते हैं, ठीक है, कि इसमें ये जो डाइट्स होती है ये कीटोन पे ये मुश्तमल होती है, ठीक है, जो कि कहाँ से होते हैं, लीवर से, क्यों लीवर में स्टोर हुआ होता है सारा, लीवर से पैदा होते हैं। देन क्या कहते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं बॉडी के अदर जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, जिस तरह ग्लूकोज है उसको वो यूटिलाइज करेगा। देन कीटोजेनिक डाइट जो है वो अफेक्टिव है वेट रिड्यूस करने के लिए, या फिर जो अदर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उसे कवर करने के लिए, अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, देन इवन एपिलेप्सी एंड कैंसर। अगर कैंसर में इसका क्या यूज़ है कीटोजेनिक डाइट का, बहुत कंसेप्ट है आजकल के ये यूज़ हो रहा है कैंसर में, कि ये जो निक्रोटिक सेल डिवीजन होती है, जो वो सेल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कार्ब चाहिए होता है, जो कीटोन है वो उनका सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज़ होते, इसलिए वो हेल्दी जो सेल्स होते हैं उनके लिए ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्रोटिक सेल डिवीजन हुई होती है वो कवर अप हो जाती है, ठीक है। देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में मोस्टली एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी क्या है कि जो सेंट्रल नर्व सिस्टम डिसऑर्डर है उसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम की एक्टिविटीज वो अबनॉर्मेलिटीज एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी सेंस को लॉस कर बैठते हैं सेंस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एपिलेप्सी काज होती है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन आर चिल्ड्रन एज वेल इन ओल्डर एडल्ट। एपिलेप्सी इज द फोर मोस्ट न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर एंड इट इज अ कैरेक्टराइज बाय द अनप्रडिक्टेबल सीजर विच कैन काज डेथ प्रॉब्लम्स। सीजर वो बॉडी श्रिंक करने लग पड़ती है, वो शिवर करने लग पड़ती है, बॉडी शिवरिंग होने लग पड़ती है बहुत ज़्यादा। देर डाइट थेरेपी क्या है कि इसमें कीटोजेनिक डाइट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो बहुत बेनिफिशियल है इन पेशेंट्स के लिए।
देन आ सीजर। सीजर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सीजर में होता क्या है कि जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें डैमेज हो जाती हैं, डिसरप्शन हो जाती है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सीजर में वो अपना अनकॉन्शियस कंडीशन में चले जाते हैं, इनमें बॉडी वो इनमें जर्क्स आने लग पड़ते हैं, ठीक है, या फिर बॉडी शिवरिंग होने लग पड़ती है इनमें, ठीक है। तो इनमें ये है कि इनमें एपिलेप्सी भी इनमें काज होती है। देन फर्दर द लार्ज परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल विद द डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स हैव एपिलेप्सी। उनमें मोस्टली मैंने आपको बताया कि उनमें एपिलेप्सी काज होता है, ठीक है। देर आर मोर देन 40 डिफरेंट सीजर डिसऑर्डर के, सीजर रिलेटेड 40 डिफरेंट डिसऑर्डर है। अब ये क्या है कि कौन कौन से कीटोन बेस्ड डाइट्स हैं जिसको एज अ सोर्स ऑफ स्नैक यूज कर सकते हैं। अब एवोकेडो, एवोकेडो कंटेन आर रिच सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स, के हेल्दी फैट्स होते हैं इनमें, ठीक है। इसको हम एज अ सोर्स ऑफ कीटोन डाइट में यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें लो कार्ब डाइट यूज़ करते हैं। इसके अलावा ओलिव हैं, ठीक है। उसके अलावा ये डिफरेंट किस्म के हैं, एग मायोनीज है, ठीक है। उसके अलावा कोड चीज़ है, मायोनीज है, बॉयल्ड एग हैं, ड्राइड बीन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें कोकोनट है, चॉकलेट मोसेज है, ये मैं ये डिफरेंट सोर्सेस है। ये पम्पकिन सीड्स हैं, हम सीड्स होते हैं, ठीक है। वो उसको पम्पकिन के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कीटोन डाइट में। लेकिन बैटरी के लिए इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो हमें मेजर सोर्स है विटामिन बी ग्रुप का, उनमें थायमिन डेफिशिएंसी होती है, नायसिन डेफिशिएंसी होती है, उनमें से डिमेंशिया, उनमें उसके अलावा बी12 की डेफिशिएंसी होती है।